हेलो जी, स्वागत है आपका इस होम टू सीरीज के सेकेंड एपिसोड सेकेंड में, एपिसोड में जो कि है बेसमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बेसमेंट अपने आप में इस घर का पावर हाउस है जो इस पूरे घर को चलाता है, तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि वो कैसे पावर हाउस है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं जो उसको पावर हाउस बनाते हैं, और हर एक कॉम्पोनेंट का क्या क्या पर्पस है, कितना रेलेवेंस है। तो ये हम जितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें पता जितनी हमें है। डिटेल पता है हम आपको आज बताते हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपनी बेसमेंट की तरफ। वैसे तो जी, यहाँ पे सभी घरों में बेसमेंट की एंट्रेंस अंदर से होती है, बट डिपेंड करता है बिल्डर पे और घर के मॉडल पे और एरिया पे कि वो कई बार घर की एंट्रेंस, बेसमेंट की एंट्रेंस बाहर से ही प्रोवाइड करते हैं सेपरेट डोर के थ्रू। वो काम आती है स्पेशली तब जब आपको अपना बेसमेंट रेंट पे देना हो, तो इससे ये है कि टेनेंट अपना बाहर से ही अंदर आएगा, बाहर से ही निकल जाएगा विदाउट घर एनी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस। इंटरफेरेंस नहीं होगी इसके। और जो कि हमारा बेसमेंट है, ये है फिनिश्ड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर ये सब सामान पड़ा है। ये बाकी रहा हाँ ये वाला एरिया, जी, बाकी ये एरिया है। हाँ अभी बता हमारा रहे हैं। योगा स्टेशन है। यहाँ पे मैं और मम्मी अपना योगा करते हैं शाम को, सुबह जब भी मन करता है। और जब ये ये भाई साहब यहाँ घर में होते हैं तो ये इसको यूज करते हैं एज अपना वर्किंग स्टेशन। घर के बेसमेंट का सबसे पहला और सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है ये सिस्टम। इसको बोलते हैं एचवैक, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो घर में जितना भी टेम्परेचर मेंटेनेंस होती है, चाहे ठंडी करनी हो या गर्मी करनी हो घर के अंदर, वो पूरा ये सिस्टम करता है। हमारे मेन फ्लोर पे लगा है थर्मोस्टाट, जिसमें हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि हमें घर में कितना टेम्परेचर चाहिए। उस बेसिस पे ये अपने आप डिसाइड करता है कि इसको हीटर चलाना है या इसको ठंडे वाला एसी चलाना है। इस हिस्से के अंदर ये है फर्नेस। इस हिस्से के अंदर होती है मेन गर्म हवा वाला काम, जो कि ये फर्नेस है, ये है हमारा गैस बेस्ड, ये वही गैस है जिससे हमारा फायरप्लेस जलता है। तो जब गर्मी करनी होती है तो हीटिंग, जब ठंड करनी होती है तो अपना नॉर्मल वाला एसी। यहाँ पे एसी का वही सिस्टम जैसे अपना इंडिया में होते हैं स्प्लिट एसीज, जिसमें एग्जॉस्ट और कंप्रेसर होता है बाहर वाली साइड पे, और जो हवा अंदर ब्लो करने वाला एरिया होता है वो घर के अंदर होता है। तो वो जो हवा घर के अंदर छोड़ने वाला होता है एरिया, वो इसके अंदर फिट है। ये अपना स्प्लिट एसी में होता है, पाइप्स लगे होते हैं बाहर से एग्जॉस्ट से अंदर आने के लिए, वो ये वाले हैं, ये जा रहे हैं यहाँ पे अंदर। इसके अंदर उतना वो एसी या ब्लोअर फिट है, और इस हिस्से के अंदर लगा हुआ है एयर ब्लोअर, जो कि पूरा घर के अंदर एयर ब्लो करता है इन डक्ट्स के थ्रू, जो कि हैं ये डक्ट्स हो गई, ये वाले डक्ट्स हो गए, ये सारे। आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पे, विच इज एचआरवी बैलेंसिंग। इसको क्या फुल फॉर्म है? हीट रिकवरी वेंटिलेटर। बस इतना ही पता है मुझे, और कुछ नहीं पता। तो ये सिस्टम होता है, ये मेंटेन करता है कि घर के अंदर कितनी फ्रेश हवा बाहर से आएगी, और घर के अंदर की जो स्टेल हवा है, पुरानी हवा, वो बाहर कैसे निकलेगी, कितने रेट पे निकलेगी, वो ये सिस्टम डिसाइड करता है। मुझे नहीं पता था। तो घर के अंदर फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए इसको ये चीज़ काम आती है। जैसे गाड़ी के अंदर भी आप जब एसी चलाते हैं तो वहाँ पे दो मोड होते हैं कि या तो हवा गाड़ी के अंदर घूमे, या फिर एक या दूसरा मोड होता है कि हवा अंदर आए और पीछे से बाहर निकल जाए दूसरी। तो ये वो चीज़ है कि भाई ये मेंटेन करता है कि घर के अंदर कितनी हवा घुमानी है और कितनी फ्रेश एयर बाहर से अंदर लेके आनी है, और घर के अंदर की पुरानी हवा कितनी बाहर छोड़नी है, वो सब करता है ये पहली चीज़ बारी डिसाइड। सुन रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था ये सब। पसंद गया? हाँ थैंक्स बोलो सबको थैंक यू जिनके चक्कर में आपको समझ में आ रहा थैंक यू। है। मुझे थर्ड कंपोनेंट है हमारी बेसमेंट का, ये वाटर टैंकलेस वाटर हीटर, यही कहते हैं ना? यस हाँ। सो बेसिकली जैसे देसी गीजर काम करता है वही काम करता है ये। यू कैन एक्सप्लेन बेटर, है ना?
तो जैसे अपने इंडिया में गीजर होते हैं वही चीज है बेसिकली, टैगलेस है जैसे इंडिया बोलते हैं इंस्टेंट गीजर, पानी चलाओ वैसे उस टाइम हाथ का गर्म होता है पानी निकल के आता है, तो वो यही चीज है। यहाँ पे हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कितना टेम्परेचर हमें चाहिए, फिलहाल 50 डिग्री सेट हुआ पड़ा है। और ये रेंटल है? हाँ जी, ये चीज जो है ये रेंटल है। ये जब हमने घर लिया था तो ये हमारे घर के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही मेंशन था कि ये चीज हम रेंट पे लेंगे। ये हम खरीदना चाहते थे हम खरीद सकते थे कंपनी से, कंपनी है एनर के, पर ये हमें खरीदने के लिए हमें उनको देने पड़ते $4,000, जो कि उस टाइम हमारा बिल्कुल भी ना मूड था ना मजा था, तो इसलिए इसका रेंट अराउंड $50-$60 पर मंथ आता है। और ये रेंट आई गेस 20-25 साल के लिए ना? ये आई गेस चलो जो भी है जितने भी टाइम के लिए वो बात की बात है, और जो गैस का खर्चा है वो अलग है, ये खाली इसका रेंट है जो कि $50-$60 महीने का। ओके, माय फेवरेट। सो जी, दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट। ये कोई बेसमेंट का कंपोनेंट नहीं, ये मेरा ही बनाया हुआ कंपोनेंट है, क्योंकि कॉस्को से हम बल्क में सामान लेके आते हैं और बाकी ग्रोसरी से भी कुछ बल्क में ले आते हैं, तो यहाँ स्टोर कर देते हैं कि बार बार जाना ना पड़े। ऊपर किचन में स्टोरेज थोड़ी कम होती है इसलिए यहाँ आके सब कुछ स्टोर कर देते हैं। इसीलिए मम्मी कहती है कुछ खत्म हो जारी, नीचे देख के नीचे मिलेगा, सन्नी नीचे देख के नीचे मिलेगा। सो सारा कुछ हमें नीचे ही मिलता है, अगर ऊपर कुछ ना मिले एक बार नीचे चेक कर लो, उसके बाद ग्रोसरी स्टोर चले जाओ, फिर भी ना मिले तो फिर क्या करो। बाद एक और कंपोनेंट है, ये मैंने नहीं बनाया, इसको क्या कहते हैं, ब्रेकर पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल क्या कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। हाँ, खुलेगा कैसे? हाँ, खुल गया। अब इसके अंदर तो जी जैसे हमने घर में सारे पूरे घर की MCB लगी होती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है, इसमें पूरे घर की MCB लगी है। हाँ, लिखा हुआ है बेसमेंट HRV डिशवॉशर। अगर मैं ये बेसमेंट का बंद कर दूं, बेसमेंट में लाइट चले जाएगी? यस। मम्मी के रूम का कर दूं बंद? कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मनी के रूम का? या उसका कर दो। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ना कुछ ज्यादा ही ज्ञान वाली हो रही है, बट क्या करें, ये इतनी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे इन चीज़ों में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में ना जाऊँ, अगर डिटेल में गया तो कम से कम 5-7 वीडियो बन जाएगी बेसमेंट के रिलेटेड ही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये शॉर्ट रखूँ और एक आपको अच्छा सा सिंपल सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि बेसमेंट में क्या क्या लगता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, अभी तो मैंने आपको सब कुछ कंपोनेंट्स जोड़ जोड़ के दिखाया, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, सब कुछ हॉच पॉच हो गया, तो एक ओवरव्यू से देता हूँ। तो ये एंट्री करी, HVAC आपने देख ही लिया, HRV सिस्टम ये रहा, वाटर हीटर ये रहा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि है आता है सबसे पहले यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर, सेंट्रल वैक्यूम क्लीनर। जी, दिस इज आवर सेंट्रल वैक्यूम। ये बिल्डर के साथ नहीं आता, घर जब खरीदते। बिल्डर नहीं मैडम, घर के साथ नहीं आता। कुछ लोग इसको गैराज में करते हैं, कुछ बेसमेंट में करते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस। और इसके बिना मेरा और मम्मी का बिल्कुल गुजारा नहीं होता। अगर ये घर में ना हो तो घर में झाड़ू पोछा मुझे अकेले करना पड़े। और ये सेंट्रल वैक्यूम थोड़ा ट्रेडिशनल वैक्यूम होते हैं जो घरों में, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो जो आपने देखोगे हाथ वाले छोटे मोटे वैक्यूम क्लीनर होते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है, उसका बड़े वाला वर्जन है। हाँ। और जैसे वो हर दूसरे दिन हर यूज के बाद उसको खाली करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है उसकी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ टाइम के बाद सफाई होती है। तो पर इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते, इसकी डिटेल में आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। अभी चलते हैं अगली चीज की तरफ। चलो आइए। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, मैं भी इवन बहुत क्यूरियस थी जब कनाडा नहीं थी यहाँ पर, कि अगर किसी फ्रेंड को कॉल करती थी तो वो अंदर ऐसे बैठे थे कि शर्ट पहनी है और बाहर बोलते इतनी ज़्यादा ठंड है, इतना ये सब कुछ है, और अंदर मैं सोच रही थी तुम लोग तो कह रहे हो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और अंदर तो तुम लोग ऐसे बैठे हुए। अब हमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन है दिस थिंग, दिस इज़ कॉल्ड इंसुलेशन। यस। अब डिटेल तुम बता दो। घर में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये दीवारों में लगाते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन कुछ नहीं, बस बेसिकली इस रुई टाइप मटेरियल होता है, तो इससे क्या होता है कि
घर के अंदर की हीट बाहर नहीं जाती और बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आती, तो घर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है और ये सभी दीवारों के अंदर होता है। बेसमेंट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये चीज़ ये वाला एरिया जो है फिनिश नहीं है, दूसरी साइड आप देखेंगे जो फिनिश एरिया है वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से जिप्सम के बोर्ड लगा के रखे होते हैं, बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है घर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और यही रीज़न है कि घर के अंदर हम ऐसे ही अपना टी शर्ट निकल में बैठे होते हैं और बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जो बिल्डर घर के साथ ही दे देता है, जैसे ये होगी हमारे सनी कम क्लोज, जैसे ये होगी हमारे किचन की टाइल्स होगी, बाथरूम की टाइल्स होगी, कुछ एक्स्ट्रा पेंट हो गया, कारपेट एक्स्ट्रा हो गया, कुछ फ्लोरिंग होगी, सो दैट कुछ छोटा मोटा पीस खराब हो जाए तो यू कैन चेंज इट योरसेल्फ। हाँ जी मम्मी, आवाज लगा रहे थे आप। हाँ बेटा, बड़ी देर हो गई है, खाना नहीं खाना, खाने की तैयारी। ओए माता जी ने बुला लिया है, खाने की तैयारी है। ओहो सैलेड आ गया, सैलेड 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 खाओ भाई। अरे आज तुम बेसमेंट वाली वीडियो बना रहे हो? हाँ जी। हाँ तो आज की वीडियो में ये क्लियर कर देना, कल कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो 6 लाख रुपए हैं या 6 लाख कैनेडियन डॉलर है। तो जी नहीं था। तो जी वो 6 लाख कैनेडियन डॉलर है, रुपीज नहीं। और आज की डेट में 55 रुपए का एक कैनेडियन डॉलर है, जो हमने घर लिया था उस टाइम 51 रुपए का था। हाँ जी, अब कमिंग टू नेक्स्ट वीडियो। हाँ जी, कमिंग टू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का सीन ये है कि हम आपको बताएंगे कि हमारे घर के महीने के रनिंग एक्सपेंसेस किस हिसाब से आते हैं, वो चाहे ग्रोसरी हो, बाकी बिल्स हो, हीटिंग बिल हो, पानी का बिल हो, ये वो सारे बिल्स हो, और कुछ ऐसी चीजें जैसे जो हमें पहले हमें भी नहीं पता थी, जैसे हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मॉर्गेज किस रेट से मिलती है, इंडिया में कैसे मिलती है और यहाँ कैसे मिलती है। तो ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।